गुड आफ्टरनून राजवीर सर, आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज 6 मकर संक्रांति, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, जो स्टूडेंट हमारे यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट ने हमारे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। बहुत अभी कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं किए या जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में, तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाएं, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग दिमाग में नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं कहीं हमको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो वो कुछ चीज़ें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट जो घर से दूर एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो हमारी गवर्नमेंट ने उनको ट्रांसपोर्ट जो भी है, हमारी जो बसें हैं उसका जो किराया है वो वेव अप किया है, मतलब कोई किराया वहाँ पे नहीं लगेगा। उसके लिए क्या करना है, तो वो आपको कुछ लोगों को डाउट है, तो वो हम क्लियर कर देंगे कि कैसे आपको जो है इस सुविधा का लाभ उठाना है। तो आपको करना क्या है कि आप जो हमारे एडमिट कार्ड है उसकी 4-5 5-6 जो हैं आप कॉपी जो हैं करवा लें, फ़ोटो कॉपी करवा दें, क्योंकि हो सकता है किसी को दो बार बस पकड़ना पड़ जाए। तो जब आप जो भी बस पकड़ोगे, तो कंडक्टर आपसे जब टिकट के लिए बोलेगा, तो आप क्या करोगे, अपना एडमिट कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी उसे देनी पड़ेगी। और कहाँ पे जाना है वो उस पर लिख देना है आपको, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक उस पर लिख देना है। दूसरा क्या करना है, उस पर जैसे हम जा रहे हैं तो लिख देंगे उस पर अप ट्रिप ये लिख देंगे। लिखने के बाद उसके नीचे हम लोग अपने जो भी है हमारे सिग्नेचर हैं वो हम लोग सिग्नेचर कर देंगे। और जब हम लोग आएंगे तब उस कार्ड पर हम लोग डाउन ट्रिप लिख देंगे, डाउन ट्रिप, और उसी कॉपी पर हम लोग साइन कर लेंगे, या वो खुद ही कंडक्टर हमसे कह देगा तो उस समय हम लोग साइन कर देंगे। और ये लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी ही नहीं है, आप जैसा समझो अपना लिख देना, या वो लिखवाए तो लिख देना, ठीक है, तो ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल ज़रूरी बात यह है कि आप लोग 5-6 4-5 कॉपी ज़रूर करवा दें, ठीक है। साथ में क्या क्या हमको लेकर जाना है, तो सबसे पहले हमारा एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड, ठीक है। नंबर दो, आपको एक फ़ोटो आईडी ले जानी है जिसपे आपका फ़ोटो हो। हालांकि हमारे एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वहाँ पे कहा गया है कि उसमें वैसी फ़ोटो लगी होनी चाहिए जैसे कि हमने जब फॉर्म फिल किया था वैसी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस फ़ोटो आईडी आपके पास होनी चाहिए जिसमें हम लोग अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं, ठीक है, दोनों ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमको क्या ले जाना है, जो भी हमारी बीएड है बीटीसी है उसका फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट, या जो भी डिग्री हमारी है, क्योंकि बीएड है तो डिग्री होगी, तो वो डिग्री हम लोग लेके जाएंगे फाइनल ईयर की। जिन बच्चों का भी ओरिजिनल नहीं आया है वो लोग क्या करेंगे, जो बच्चे पहली बात तो दे चुके हैं एग्ज़ाम उनको सबको पता ही है, क्योंकि कैंसिल हो चुका है तो सब लोग जानते ही हैं, कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है, अपना इंटरनेट वाली निकलवा के काली से उस पर साइन करवा लेना है, ठीक है। लेकिन हो सकता है एक दो बच्चा ऐसा हो जिसने पहली बार ना दिया हो एग्ज़ाम, इस बार देना चाह रहा हो, ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई एक आध हो सकता है। फिलहाल तो हम उस पर साइन करवा लेंगे अपना जो है फाइनल ईयर मार्कशीट।
ठीक है, ये हो गई। अगर इंटरनेट वाली है तो कॉलेज से हमें सिग्नेचर या वेरीफाई कराना, अटेस्टेड कराना ज़रूरी है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर हम लोग लिखेंगे हमें क्या ले जाना है, ब्लैक पेन हमारा रहेगा, जेल वाला नहीं होना चाहिए, जेल वाला पेन हमारा अलाउ नहीं है। तो इतनी चीज़ें हमें कैरी करके जाना है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बस जो हमें बसों का किराए की बात की जो डाउट था वो हमने आपका क्लियर कर दिया। किसी को दिक्कत आ रही है डाउनलोड करने में तो वो कमेंट करेंगे। दूसरी चीज़, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, और अब टाइम बहुत कम है तो अब कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, और बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल आप लोग अपने पे भरोसा रखिए, जितना पढ़ा है बस उसी पे विश्वास रखिए, मस्त होके पेपर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, जितना पढ़ा है उसी से पेपर अच्छा हो जाएगा, बस आप जो है अपने पे विश्वास रखिए, ठीक है। और कुछ खास खास चीज़ें हैं जिसको लगता है हम देख लें, तो वो मेन चीज़ें हैं, आप बचे हुए टाइम में उन्हीं चीज़ों को देख लें, थोड़ा रिवाइज कर लें, क्योंकि कभी कभी हमारी पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको देखना ज़रूरी हो जाता है। तो पढ़ी हुई चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको देख लें, कुछ फार्मूले हो सकते हैं आपके मैथ के, या किसी और चीज़ के, आप जो बहुत खास खास चीज़ें होती हैं जैसे हिंदी में हमारा रस रहता है, समास रहता है, कहीं पर डाउट है वो डाउट क्लियर कर लें, ज्वाइनिंग है हमारी, संधि है, तो ये चीज़ें हम लोगों को जहाँ पे हमें लग रहा हो कि कहीं पे हमें डाउट है वो डाउट अपना बचा हुआ टाइम है उसमें क्लियर कर लें, ठीक है। आपके अलंकार वगैरह रहते हैं तो वो आप देख लें, ठीक। बाकी आप लोग समझते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें देखने की ज़रूरत है वो चीज़ें देख के जाएँ। तो अभी से बीसी बेस्ट आप लोग, सब लोग बहुत अच्छे से पेपर करेंगे और पेपर भी हमारा बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।